हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास टेंथ का भी रिसेंटली 4 मार्च को जो साइंस का पेपर होने वाला है, बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, क्योंकि आज के सेशन में सिर्फ हम लोग हर चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसकी आने की 90 to 100% प्रोबेबिलिटी है, केवल उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आपको आज के क्लास में कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लिस्ट आपको देंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को, जो भी बोर्ड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो तो साइंस के अंदर आप बहुत अच्छा मार्क्स को स्कोर कर लोगे। तो चलिए, फिजिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम आपको लिस्ट देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, लेट अस वी कैन कंटिन्यू। तो सबसे पहले देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी को ही चूज किए हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है। एक तो न्यूमेरिकल में काफी सारे डाउट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो हम यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दे देते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली पेपर के अंदर नहीं है। तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो क्या क्या आप लोग पढ़े। सबसे पहले करंट का कॉन्सेप्ट आपने देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट देखा होगा, ओम्स लॉ देखा होगा, रेसिस्टिविटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस देखा होगा, जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और फिर पावर के कारण आप पावर देखा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखे होंगे, यानी कि जो हम हीटिंग इफेक्ट करंट H = I²RT, जितनी भी चीज़ हम लोग स्टडी किए हैं उन्हीं सारे के ऊपर हम आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, वो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का आ सकता है आपके पेपर में। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट P1 at 220 volt to a point P2 at 320 volt. बहुत ही सिंपल। देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट दे रखा है, और कोई चार्ज को हम 3 कूलम का चार्ज है, जिसको हम P1 से कहाँ पे मूव कर रहे हैं, P2। तो P1 पे पोटेंशियल कितना था, 220 volt, P2 पे कितना था, 320 volt. बहुत ही सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। 320 माइनस 220 को माइनस कर दोगे, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। चार्ज आपको दे रखा है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो आपके पास चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया, वर्क आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए करंट ऑफ 16 एम्पियर फ्लोज इन ए मेटेलिक वायर फॉर 60 मिनट, यानी कि कितना देर तक, 16 एम्पियर, यानी कि करंट का वैल्यू दे रखा है, टाइम दे रखा है, बहुत सिंपल, 60 मिनट, क्योंकि टाइम कैसा यूनिट होता है, सेकंड। तो सबसे पहले 60 को किस में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड में, बहुत ही सिंपल। फाइंड द नेट चार्ज पास्ट इन दिस ड्यूरेशन, बहुत ही सिंपल। आपको देखिए क्या करना है, आपको चार्ज निकालना है। तो I = क्या होता है, Q/T। आपको क्या दे रखा है, करंट दे ही रखा है, टाइम दे ही रखा है, आराम से पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। आप क्या निकाल सकते हो, चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ का डेफिनेशन अक्सर आता है, तो डिफाइन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, आप इसको डिफाइन करोगे, इसका जो डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम, उसको आप ड्रॉ करोगे, और साथ ही साथ रिक्वायर्ड कंडीशंस होता है, यानी कि ओम्स ने जब ये स्टेटमेंट दिया था तो एक फैक्टर बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाकर के जो करंट होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि बैटरी के अंदर, बैटरी जितना ज़्यादा पावर को सप्लाई करेगा, सर्किट के अंदर करंट भी उतना ही होगा। ये तब पॉसिबल है जब हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। तो कभी भी रिक्वायर्ड कंडीशन को लिखना आप लोग मत भूलिएगा, वेरी सिंपल। तो डिफाइन ओम्स लॉ, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम एंड ए ग्राफ, यानी कि आपको ग्राफ भी दिखाना है, सर्किट डायग्राम के जरिए ओम्स लॉ को क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन रेसिस्टिविटी, राइट दी फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, यानी कि रेसिस्टिविटी क्या होता है और क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का क्या होता है, डिपेंड करता है। तो आप इसको ड्राइव करके दिखा दोगे, बहुत ही सिंपल, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ है, तो 100% रेसिस्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रेसिस्टिविटी के ऊपर ही न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए मेटल वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.25 mm। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले देखिए क्या करना है, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना है तो यूनिट का कन्वर्जन, यानी कि हर एक चीज को SI यूनिट में लाना है। तो 0.25 mm है तो इसको मीटर में ले आएंगे, तो क्या करेंगे, 10 पे पावर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से, वेरी सिंपल। एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ 0.8 × 10⁻¹⁸ ohm। वाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक रेसिस्टेंस ऑफ 5 ohm।
वेरी सिंपल, हाउ मच विल द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। मैंने अक्सर बताया था आपको कि जब भी किसी वायर का अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या फिर एरिया को अगर डबल करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि लेंथ और एरिया हमेशा एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहो कैसे, मान लीजिए यहां पर चौक होल्डर है, अगर ये 5 मीटर का है, अगर मैं इसको 10 मीटर बना दूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वेरी सिंपल। और गलती से मैं क्या कर देता हूं, अगर इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर और इसको मैं कर दूंगा 10 मीटर स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इसका लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि लेंथ और एरिया हमेशा क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप इसका लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा, और एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ घटेगा, वेरी सिंपल। तो रेसिस्टिविटी के ऊपर हमने आपको बता रखा था, उसी के ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो आप रेसिस्टिविटी को ड्राइव करोगे, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, उसी एक्सप्रेशन को यूज करके आप इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये पूरा का पूरा रेसिस्टिविटी के ऊपर ओरिएंटेड है, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा मिलेगा आपको, ड्राइव द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस ड्यूरिंग सीरीजेस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आप रेसिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हो तो उसका एक्सप्रेशन को आपको ड्राइव करके दिखाना है। दैट मींस जब हमने मान के चलो बहुत सारे रेसिस्टेंस है, अगर हम उसको सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसी को ड्राइव करना। और जब उसी चीज को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब उसका टोटल रेसिस्टेंस, दैट मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल 6 क्वेश्चन जो है वो डेरिवेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर है। हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी को आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करके एक्सप्रेशन को क्या करना है, ड्राइव कर देना है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हो, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिल का जो यूनिट वगैरह निकालते हैं पावर कंजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, उसके ऊपर ओरिएंटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्ट ऑन द एवरेज 8 आवर्स ए डे इफ एनर्जी कॉस्ट ₹3 per kilowatt hour, कैलकुलेट मंथली बिल फॉर 30 डेज। यानी कि कॉस्ट कितना है, 3 per kilowatt hour, यानी कि एक यूनिट का बिल कितना है, 3 रुपीज। तो वेरी सिंपल, आप 30 दिन का क्या करना है, बिल कैलकुलेशन, यानी कि बिल का कैलकुलेशन के ऊपर, इसके ऊपर हमारा काफ़ी सारा शॉर्ट्स वीडियो भी अवेलेबल है, लॉन्ग वीडियो भी अवेलेबल है, तो अगर आप उसको देख ले तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8th नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 6 resistances ईच ऑफ 2 ohm आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागोन एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन इफ द करंट एंटर्स एट पॉइंट पी एंड लीव्स फ्रॉम पॉइंट क्यू। बहुत ही सिंपल, ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हेक्सागन है, ज्योमेट्रिकल शेप इसका कैसा है, हेक्सागन के फॉर्मेट में, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 resistance लगा हुआ है, और हर एक का वैल्यू कितना है, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, ठीक है। तो P से करंट एंटर कर रहा है और Q से एग्जिट कर रहा है, तो इसके कारण हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट क्या फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, करंट का, यानी कि टोटल करंट निकालना है कि P से एंटर करके Q से जो एग्जिट हो रहा है तो करंट क्या है। तो बहुत ही सिंपल, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो आप लोगों ने स्टडी किए हो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन ओरिएंटेड है। तो हमने यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल शेप दे रखा हूँ किसी भी टाइप का, जैसे देखिए इस पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दे देगा, यहाँ रेसिस्टेंस दे देगा, और एक बॉक्स बना देगा और एक बाहर में रेसिस्टेंस लगा देगा। तो बहुत ही सिंपल, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, बाहर वाले के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, हम यहाँ पे एक प्रोफाइल देखिए, काफ़ी सारा प्रोफाइल तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक दे दिया हूँ लेकर के, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 lamps, 1 rated 100 watt at 220 volt and the other 200 watt at 220 volt are connected। यानी कि इसी को हमने, यानी कि 2 lamp दे रखा है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, एक का पावर है 100 watt, दूसरे का पावर है 200 watt, और दोनों ऑपरेट कितना पे हो रहा है, 220 volt पे, यानी कि ऑपरेटिंग वोल्टेज दोनों का सेम है 220 volt। अगर हम इस दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब निकालना है, फिर अगर हम इसी चीज़ को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब जाकर के फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द करंट ड्रॉन इन ईच केस। यहाँ पे सॉरी, हो सकता है आपको नहीं दिखे, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच केस, यानी कि दोनों केस में हमें क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियसली पावर के ऊपर ये ओरिएंटेड, P बराबर क्या होता है, VI, काफ़ी सारे एक्सप्रेशन है, तो पावर का फॉर्मूला आप यूज करके यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल की बिल्कुल ही, यहाँ से न्यूमेरिकल जो भी बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर के अक्रॉस ही बनेगा, उसके अलावा और किसी चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल बनने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर देखिए क्या है, पूरा का पूरा इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, बहुत ही सिंपल, और ये जो भी 5 क्वेश्चन हमने लिखा हो 100% इसी में से आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अक्रॉस, What are the properties of magnetic field lines? यानी कि जब आप एक बार मैग्नेट के चलते डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को जो स्केच करते हो, यानी कि एक तरह से एक बार मैग्नेट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, या कोई भी मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को प्रोड्यूस करता है उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, वही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, What is solenoid? Solenoid क्या होता है? Draw a pattern of magnetic field due to a solenoid, यानी कि एक solenoid के चलते magnetic field का pattern कैसे बनेगा उसको आपको diagram के जरिए दिखाना है। Write the factors on which a strength of magnetic field of a conducting solenoid depends, यानी कि कोई भी conducting solenoids है उसके कारण, उसके चलते जो magnetic field produce होता है उसका strength क्या होता है, ठीक है, तो उसको आपको लिखना, या उसका strength किस किस factor पे depend करता है, उन सारे factors को आपको क्या करना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ए परमानेंट मैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या करना है आपको, डिफरेंस लिखना है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हो गया, टेम्प्रोरी मैग्नेट और परमानेंट, यानी कि कहीं ना कहीं टेम्प्रोरी और परमानेंट मैग्नेट के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। तो टेम्प्रोरी मैग्नेट का तो बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वेरी सिंपल। तो यानी कि एक तरह से टेम्प्रोरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या करना है आपको, डिफरेंस लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी मैग्नेटिक का चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आप इसका डेफिनेशन इजीली लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा एक सर्कुलर लूप है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे होता है। तो बहुत ही सिंपल, हर पॉइंट पे हमने आपको पढ़ाया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह बिहेव करता है, वेरी सिंपल। तो कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, दैट मींस ये एक सर्कुलर लूप हो गया, यानी कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा, इसी को आपको डायग्राम के जरिए क्या हो सकता है, इसके पैटर्न को दिखाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए पेपर में आएगा। तो वही है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आप फिजिक्स का जो सेक्शन है साइंस के अंदर, उसके अंदर इस दो चैप्टर से आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स को क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। और रही बात देखिए लाइट के अंदर, तो लाइट के अंदर मिरर और लेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पर, यानी कि काफ़ी सारे वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 के साइंस पर क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देना है, और पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, दैट मीन्स पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो पावर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सारे चीज़ों के ऊपर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है उसके अंदर जो आई है, आई का स्ट्रक्चर, उसमें जितने भी पार्ट्स आते हैं सारे का फंक्शन, जैसे रेटिना है तो रेटिना का क्या फंक्शन होता है, प्यूपिल है, कॉर्निया है, आयरिस है, सिलियरी मसल्स है, इन सारे का क्या क्या फंक्शन है, रेटिना के पास कितने टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड सेल, कौन सेल, कौन किसके प्रति सेंसिटिव होता है, सारे चीज़ को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और डिफेक्ट ऑफ विजन में खास करके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इस दोनों को बहुत अच्छे से आपको इसका डिफेक्ट, इसको कैसे करेक्ट करेंगे डायग्राम के जरिए आपको आपको एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में आएगा 100%। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, रेनबो का फॉर्मेशन हो गया आपका, तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर, व्हाई स्काई इज लुकिंग लाइक ब्लू, स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है, एडवांस सनराइज एंड डिले इन सनसेट, इन सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ये सब थ्योरेटिकली है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इन सारे चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।